शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, नमस्ते बिहार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। 1962 के बाद नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कुछ पुराने चेहरे लौटे हैं तो कुछ नए चेहरों को जगह दी गई है। गठबंधन धर्म को निभाते हुए सहयोगी दल के नेता भी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। मोदी समेत 72 मंत्रियों ने पद की शपथ ली। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ करीब 8,000 मेहमान इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। तो देखिए, तीसरी बार एक बार फिर से मोदी सरकार और तस्वीर दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जहां पर तीसरी शपथ प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ली और एक इतिहास भी रचा नेहरू की बराबरी की कि लगातार तीसरी बार वो इस पद पर आसीन हुए हैं। सरदार मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कैबिनेट में अपनी हिस्सेदारी रखी है। शपथ ग्रहण की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, साथ ही अमित शाह ने मंत्री के तौर पर शपथ ली, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा, ये वैसे चेहरे हैं जो रिपीट इस बार हुए हैं। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान, नए चेहरे निर्मला सीतारमण जो इससे पहले वित्त मंत्री थे, उनको भी एक बार फिर से मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। उसके बाद से ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब ये एक बार, दो बार और तीसरी बार कब कब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये 9 जून 2024 की लेटेस्ट तस्वीर, 30 मई 2019 और 26 मई 2014 की तस्वीर।
मोदी कैबिनेट में बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें जेडीयू के 2, बीजेपी के 4, एलजेपी आर के 1 और हम के 1 नेता मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी से गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण निषाद, सतीश चंद्र दुबे, जेडीयू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने शपथ ली। हम से जीतनराम मांझी और एलजेपी आर से चिराग पासवान ने शपथ ली है। तो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई खास मेहमान शामिल हुए और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नीतीश कुमार, रामनाथ कोविंद, मुकेश अंबानी और ये मेहमान। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। 1962 के बाद नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता है जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तीसरी बार मोदी सरकार 100 दिन का प्लान भी तैयार है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विकसित भारत का संकल्प लिए नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1962 के बाद ये पहला मौका है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। टीम मोदी में इस बार कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे शामिल हैं जो साझा सरकार के संदेश को चरितार्थ करता है, मोदी के सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र को भी पूर्ण करता है। मोदी कैबिनेट में एक बार फिर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गजों को मौका मिला है। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह और एलजेपी आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार ने अपने 100 दिन का एजेंडा भी तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार के लिए ये 100 दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि इन्हीं 100 दिनों से पता चलेगा कि आखिर आने वाले 5 साल तक मोदी सरकार की दशा और दिशा क्या होने वाली है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को साफ कर दिया है कि इस रोड मैप को लागू करना और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। उन्होंने कह दिया है कि जिसके पास जो विभाग होगा उसके कामों को जल्द से जल्द पूरा करना है और अपने टारगेट की चिंता करनी है। यानी पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद 100 दिन के एजेंडे पर आगे बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। बिहार से 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीसरी बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगले 5 साल के लिए मोदी की नई टीम तैयार हो गई है। मोदी की नई टीम में बिहार से 8 चेहरे शामिल हैं, जबकि झारखंड से 2 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण निषाद को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मंत्रिमंडल के गठन में गठबंधन धर्म के साथ जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया। यही वजह है कि बीजेपी से 4, जेडीयू से 2, एचएएम से 1 और एलजेपी आरवी से 1 सांसद को मंत्री बनाया गया है।
जातीय समीकरण की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग के चेहरा के तौर पर जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और बीजेपी से राजभूषण निषाद को मंत्री बनाया गया है। वहीं अन्य पिछड़ा समाज के प्रतिनिधि के तौर पर यादव जाति से आने वाले नित्यानंद राय को मंत्री बनाया गया है। मोदी की नई टीम में दलित और महादलित समाज से भी दो सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिला है। एलजेपी आरवी के चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अति पिछड़ा और दलित समाज के साथ साथ मंत्रिमंडल में अगड़ी जातियों का भी खास ख्याल रखा गया है। भूमिहार समाज से दो मंत्री बने हैं। 2014 से मोदी कैबिनेट में शामिल गिरिराज सिंह को फिर से बीजेपी ने मौका दिया है तो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिली है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। यानी कह सकते हैं कि मोदी की नई सरकार में जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को फिर से मंत्री बनाया गया है, जबकि रांची के सांसद संजय सेठ भी मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। और देखिए, आज नई कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। शाम 5 बजे पहली कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में सभी नए मंत्री शामिल होंगे। नई मोदी कैबिनेट की पहली ये बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और इसके साथ साथ किस तरीके से मंत्रालयों को संभालना है, इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 100 दिनों का एक टास्क दिया है, एक विजन तैयार किया है, उस पर भी बातचीत की जाएगी। तो आज नई कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है शाम 5 बजे। चिराग पासवान के मंत्री बनने पर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। चिराग पासवान ने भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है, साथ ही अपना दायित्व का निर्वहन को लेकर उन्होंने भरोसा भी दिया है। बात करते हैं चिराग पासवान से जो कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आए हैं। चिराग, क्या आपका एजेंडा रहेगा आने वाले दिनों में? कैबिनेट मंत्री बने हैं, मंत्री बने और सीधे कैबिनेट मंत्री बने हैं, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई खुशी या सिर्फ जश्न बनाने का नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पद आता है। ऐसे में जो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर जताया है उसको पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरी मेहनत से निभाऊंगा, ये विश्वास जरूर दिला। परिवार टूटा, पार्टी टूटी, आप अकेले सांसद बचे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने भरोसा, प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया, आपको 5 सीटें मिली, 5 के 5 जीत करके आए, ये कितना आत्मविश्वास को बढ़ाता है और काम करने में आगे कितनी मदद मिलेगी? स्वाभाविक है, जब परिणाम अच्छे होते हैं तो हर किसी का मनोबल बढ़ता है। इसी में ही नहीं, स्कूल में भी परीक्षा आप दें और परिणाम अच्छे आए, या कोई मैच हो 100% स्ट्राइक रेट आपका हो जाए, उससे बेहतर क्या होगा। तो ऐसे में खुशी है इस बात की कि हम लोग की मेहनत रंग लाई, बट हाँ, यहाँ से जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान है, कैबिनेट मंत्री का शपथ लेने के बाद पहुंचे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ मितेश सिंह, न्यूज 18, दिल्ली। जैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मोदी सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली, वैसे ही हाजीपुर में जेपीआरवी कार्यकर्ताओं ने होली और दिवाली मनाई और लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये तस्वीर सामने आई है जब जेपीआरवी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी है, मिठाइयां बांटी है, और ये तस्वीर है जश्न की, ये तस्वीर है उस उत्साह की जो उत्साह बढ़ाया है चिराग पासवान ने। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिया है। मुजफ्फरपुर से पहली बार जीतकर सांसद बने डॉक्टर राजभूषण निषाद के समर्थकों में खुशी की लहर है। एनडीए कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में जमकर आतिशबाजी की गई, कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के खूब नारे भी लगाए।
गई है नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं उसके साथ मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद मंत्रालय में शामिल हुए हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। मुजफ्फरपुर में जश्न का माहौल है, पटाखे फटाए जा रहे हैं, लोग जो है काफी उत्साहित है, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आपके सांसद भी मंत्री बन गए जी? बहुत बहुत बधाई पूरे मुजफ्फरपुर की जनता को, बहुत बहुत बधाई कि हमारे पास बहुत दिनों के बाद जर्ज शहर के बाद एक मंत्री का पद मुजफ्फरपुर को मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, हमारे सांसद महोदय को बहुत बहुत बधाई और पूरे मुजफ्फरपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे पीएम मोदी, फिर से पीएम बन गए हैं मोदी जी? ये करोड़ों भारतीयों का ये उपलब्धि है, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का यह भूमिका है जो आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास से यह देश पुनः तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और यह भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय देवतुल कार्यकर्ता का योगदान है और मतदाता का योगदान है और यशस्वी प्रधानमंत्री कहेंगे इसी क्षेत्र से राजभूषण निषाद सांसद है, यही उनका घर भी पड़ता है और वो अब मंत्री बने, कितने खुश हैं आप लोग? हम तो बहुत खुश है, अब सारा जनता मुजफ्फरपुर के खुशी की लहर में भी झूम रहा है, फटाखा फोड़ रहा है, मिठाइयां बांट रहा है कि पहली बार जीतने के बाद पहला बार मंत्री बनने का सौभाग्य राजभूषण निषाद जी को मिला है। तो मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद भी मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी शपथ ले ली है मंत्री के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में उत्साह जो है वह दुगुना हो गया है क्योंकि एक बार फिर से पीएम मोदी जो है तीसरी बार उन्होंने शपथ ले लिया है के लिए। पटना में मेदांता हॉस्पिटल की ओर से इमरजेंसी और ट्रॉमा सबमिट का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य विभाग पुलिस विभाग सहित कई विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही सभी डॉक्टरों ने पैनल डिस्कशन के जरिए अस्पताल से पहले मरीजों को रास्ते में दिए जाने वाले इलाज की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जिससे समय रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। और आज जो सबमिट हुआ है उसमें इमरजेंसी और ट्रामा पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो इमरजेंसी सर्विसेज कैसी हैं, क्लिनिकल पार्ट जो है कि कैसे हॉस्पिटल में हैंडल होना चाहिए, यंग डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है, यंग डॉक्टर को सिखाया गया है अलग अलग जो चीज़ें होती हैं इमरजेंसी में, हार्ट की इमरजेंसी हो, ब्रेन की हो या दूसरे और इमरजेंसी जो है हड्डी टूटने की, उन सब चीज़ों पर हुआ। एक जो सेशन था पैनल में वहाँ पर हम लोग एक बातचीत शुरू करना चाहते थे, एक डिस्कोर्स शुरू करना चाहते थे अपने स्टेट में कि क्या स्थिति है ट्रॉमा की। ट्रॉमा में जो हॉस्पिटल में पहुँचता है वो एक छोटा पार्ट है, उससे पहले जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है जो हैंडल करना, तो वो हॉस्पिटल के हिस्से में नहीं होता, हॉस्पिटल का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मरीज़ का आउटकम उसी पे डिपेंड है कि पहले कैसे जब चोट लगी वहाँ से कैसे उसको अस्पताल लाया गया। और एक नज़र इस वक्त के हेडलाइंस पर।